हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर लाइट का चैप्टर चल रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे रिफ्रेक्शन के, ठीक है। सो वही हेडिंग लगाइए आप, रिफ्रेक्शन न्यूमेरिकल्स है। काफी न्यूमेरिकल की हमने पिछले 3-4 लेक्चर से यही कर रहे हैं और यही प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। और भी आज का क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट, मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी जो सीक्वेंस चल रही है उसी में कंटिन्यू करें। लिखिए आज के क्वेश्चन, पहला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ कॉनकेव लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस दे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फुल स्टॉप। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज ऑल्सो 40 सेंटीमीटर, if the focal length of the lens if the focal length of the lens is also 40 cm, then find the location of the image and the magnification, then find the location of the image and the magnification। चलिए सबसे पहले तो हमको कौन सा लेंस दे रखा है बेटा, कॉनकेव लेंस दे रखा है। चलिए कॉनकेव लेंस दे रखा है तो कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। चलो पहले भाई ऐसा ही कुछ होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस साइड में जो पॉइंट होता है वो होता है F1, ऑप्टिकल सेंटर F2 एंड 2F2, इसको C2 भी कहते हैं, इसको C1 भी कहते हैं, सारे जानते हैं आपको, ठीक है। अब हमको बोला है कॉनकेव लेंस है, सबसे पहली बात तो कॉनकेव लेंस है तो आपको प्रॉपर्टी से पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ वगैरह कहां पे होगी। अब फोकल लेंथ मैंने आपको हमेशा बोला है कि जहां इमेज बनती है वहां फोकल लेंथ होती है। अब पहले से बोला है कि यू दे रखा है, मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ पहले लिख रहा हूं कि यू 40 दे रखा है, ठीक है, साइन बाद में लिखेंगे। और एफ भी कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, क्लियर है बेटा। अब आपको यू भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखी 40 सेंटीमीटर। पहली बात तो यू जो होगा वो इस साइड में रखा होगा, इस साइड में, क्योंकि हमसे ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट साइड के अंदर होता है, तो यू तो नेगेटिव है, ये तो गारंटी की बात है। और यू रखा कितने के ऊपर, 40 सेंटीमीटर के ऊपर, और 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी है। अब इसकी फोकल लेंथ आप बताइए कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ राइट के अंदर होती है लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट के अंदर होती है, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है उससे जो इमेजेस बनती है वो लेफ्ट के अंदर ही बनती है, समझे ना। दूसरा वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें ऑब्जेक्ट लेफ्ट के अंदर रखा होता है, इमेज राइट के अंदर बनती है, लेकिन जो ये कॉनकेव लेंस है इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में रखा होता है और इमेज भी लेफ्ट में बनती है, याद है सभी को। सो अगर इमेज इस साइड में बन रही है इट मीन्स इसकी फोकल लेंथ इस साइड होगी। सो हम बोलेंगे इसकी फोकल लेंथ दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है और यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर, ऑब्जेक्ट भी यहां पर रखा हुआ है। तो आप देखिए तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो ये भी कैसे आएगी नेगेटिव, और फोकल लेंथ जब आएंगे तो कैसे आएगी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब वी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला, भाई लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/F = 1/V माइनस 1/U। 1/V की बात करें इसको इधर ले आएंगे, 1/F + 1/U, सो 1/V की वैल्यू आएगी 1/F, एफ कितना दे रखा है -40 + 1/-40। अब देखिए -40 का हम दोनों साइड इसको अगर एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम आएगा 40 ये हो जाएगा -1 -1, सो आपके पास 1/V कितना आएगा -2/40। सो आप वी की बात करेंगे तो वी कितना आएगा -40/2 = -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए कितना आ रहा है -20 सेंटीमीटर, ये वी क्या है इमेज की डिस्टेंस। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होता है तो इमेज भी इस साइड बनता है, तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव हमने लिखा है, फोकल लेंथ नेगेटिव लिखी है, और इमेज कहां बनती है -20 सेंटीमीटर के ऊपर। अगर फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो इमेज 20 सेंटीमीटर कहीं यहां पर होगा, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ये क्या है इमेज,
सभी को दिख रहा है बेटा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो आप याद रखिए कॉन्केव लेंस होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ और इमेज की डिस्टेंस तीनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो पहला पार्ट हमारा आ गया लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -20 सेंटीमीटर। अब सेकेंड जो पार्ट बोल रहा है वो बोल रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का देखो हमारे पास में फॉर्मूले दो है, h' / h और v/u। हम कौन सा काम में लेंगे, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, तो इमेज की हाइट हम नहीं निकाल सकते, तो वो फॉर्मूला नहीं काम में लेंगे। तो हमारे पास में m का एक और फॉर्मूला होता है v/u, याद है v/u मतलब इमेज की डिस्टेंस अपॉन द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं m इज इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस कितनी आई है -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो माइनस माइनस पे क्या हो जाएगा प्लस, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 / 2, या फिर m इज इक्वल टू 0.5। क्लियर आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए फटाफट। कर लिया नोट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपका जो सीक्वेंस चल रहा अभी लगे आप लिखिए, छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझने की चीज है। लिखिए अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ऑफ अ कॉनकेव लेंस, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल ट्रेवलिंग टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस। देखिए क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपको ना तो फोकल लेंथ दे रखी है, ना आपको ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने के लिए आपको डायग्राम आना चाहिए, ये हमने कॉनकेव लेंस दे रखा है तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2, ठीक है। अब आपको बोला है कि अ बीम ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, ठीक है, तो आप देखिए कि मैं मानता हूं भाई बीम ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, भाई पैरेलल आ रही कुछ इस तरह से आ रही होगी ना, आपको याद है, चलो इस तरह से कुछ पैरेलल इसके आ रही है। अब आपको बोला है कि बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस appears to diverge from the from a point 25 centimeter behind the mirror। अब देखो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्स करता है, डाइवर्स करता है आप जानते हैं, डाइवर्स कैसे करता है आप सोचिए कि ये डाइवर्स इस तरह से करता है, ये लाइट की इस तरह से जाएगी, जानते हो ना, कंफ्यूजन हो तो बता देता हूं, ये कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉनवेक्स लेंस होता है, ये लाइट की देखो कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मतलब एक जगह पे लाता है, अच्छा ये फोकस है ना, तो इस फोकस के ऊपर लाता है इस तरह से, ठीक है ना।
तो जहां पे भी हमको लाइट को रे को एक जगह पे फोकस करवाना होता है हम कौन सा मिरर काम लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर काम लेता है। लेकिन जहां पे हमारी ये एप्लीकेशन होती है कि हमको लाइट की रे को डाइवर्ज करना होता है, बिखेरना होता है, तो हम कॉन्केव लेंस काम लेते हैं। समझ में आ रही ये एप्लीकेशन इनकी। तो ये डाइवर्स हो रहा है इस तरह से, और डाइवर्स होने के बाद इसने क्या बोला है, अपीयर्स बिहाइंड द मिरर एट 25 सेंटीमीटर। सो हम जानते हैं कि भाई कोई भी मिरर हो या लेंस हो, उसके लिए जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आती है तो फोकस होकर जाती है। अब यहाँ पे तो ये इस तरह से जा रही, तो फोकस होकर कहां जा रही, तो मैंने बताया था कि जब ये लाइट की रे इस तरह से डाइवर्ट होती है तो ये पीछे की साइड हमको अपीयर होती है, क्योंकि इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल के लिए पीछे बनानी पड़ेगी, उसकी फोकल लेंथ पीछे की होती है। तो हमको ऐसा लगता है कि लाइट की डाइवर्जेंस तरह से होती है, लेकिन हमको लगता है कि वो पीछे की साइड में आ रही है इस तरह से। सही बात है कि यार तुम लोग भूल गए, ठीक है, हमको ये पीछे की साइड मिलती हुई दिखती है। मतलब ये कह रहा है कि डाइवर्जेंस जिस जगह पे हो रही है वो वाला पॉइंट ये कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, जहां पे डाइवर्स हो रही है वहां पे कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि जब कोई भी लाइट की रे किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो डाइवर्ज हो या कन्वर्ज हो, वो जिस पॉइंट पर मर्ज होती है वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकल पॉइंट होता है। ये रे डायग्राम का पहला पॉइंट है कि जब लाइट की रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम इंसिडेंट करवाते हैं तो फोकस होकर जाती है, और ये फोकस होकर जा रही है ना, और ये फोकस आपको इंडायरेक्ट में दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है फोकल लेंथ कितनी गिवन है। अब ऑप्टिकल सेंटर यहां पे और फोकल लेंथ हम जानते हैं पीछे साइड में आती है, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाके मेजर करेंगे डिस्टेंस कैसे आएगी नेगेटिव, तो आपको फोकल लेंथ दे रखी है -25 सेंटीमीटर इनडायरेक्ट रे के अंदर। समझने का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक नंबर का दो नंबर का ही, लेकिन समझने की बात क्या है कि डाइवर्ज होने के बाद जहां पे मिला पॉइंट वो फोकस पॉइंट है, ठीक है ना, और फोकस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। सो एफ इज इक्वल टू दे रखा है -25 सेंटीमीटर। आपको पूछा है पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस होता है 1/f, जानते हैं ना फोकल लेंथ का इनवर्स। तो हम बोलेंगे -1/25 सेंटीमीटर, -1/25 सेंटीमीटर करेंगे तो पी कितना आ जाएगा 0.25, -0.25 डायोप्टर। क्लियर, पावर यही तो हमारी आएगी। माइनस क्या शो करता है कि लेंस कैसा है डायवर्जेंस। अब ये आप समझिए कि जब दूर की चीजें आपको देखनी है तो आप कौन सा मिरर काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पास की चीजें देखनी है तो कौन सा काम में लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, दूर के लिए ये वाला और पास के लिए ये वाला। आप कहते हैं ना कि आपका चश्मा जैसे इस पे कहिए आपका माइनस का है, जैसे मेरा माइनस का है, तो दूर की चीजें देखने के लिए, अब दूर की चीजें देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट की रे जैसे हमको दूर की नहीं दिख रही, तो दूर की रे को देखने के लिए हमको जो लेंस से लाइट आ रही है उसको बिखेरना पड़ेगा। तो डाइवर्स करने के लिए हमारी जो पावर आती है वो नेगेटिव आती है, और नेगेटिव पावर किसके लिए होती है, दूर की देखने के लिए और ये पास के देखने के लिए, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, अगले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए बेटा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, पावर 5D का मतलब 5 डायोप्टर इस तरह से, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D is placed at a distance of 30 centimeter from a screen. At what distance from the lens should the screen be placed so that the image is formed on the screen. So that the image is formed at the screen. ठीक है ना, देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है,
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में आपको बोला है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर आपको दे रखी है वो दे रखी है 5d, बोला है तो प्लस का 5d होगा 5d, ठीक है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5d इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। अब ये लेंस जो है ना वो स्क्रीन से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। आगे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड बी द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब आपको देखिए, आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ नहीं गिवन है, आपको गिवन है बी। स्क्रीन अभी कहां पे रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर, देख लीजिए स्क्रीन कहां पे रखी हुई है, सॉरी फोकल लेंथ आपको गिवन है प्लस 20 सेंटीमीटर और डायोप्टर आपको दे रखा है। सो 1/f इज इक्वल टू, अब देखिए यहां तक फोकल लेंथ। अब देखिए हमको पहले p गिवन है तो हम इससे f निकाल लेते हैं, पावर जो होता है वो होता है 1/f। तो यहां पे बात करें डायोप्टर की तरह से आपको, सो p इज इक्वल टू f हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1/p, 1/p इज इक्वल टू f होगा। f की बात करें 1/3 बोले तो 1/5, ठीक है ना। 1/p के लिए आपका d कितना आएगा, 1/5, ठीक है। सो ये आपका मीटर कितना आएगा, 1/5 इज इक्वल टू, सो ये आपका आ जाएगा 0. और ये 0.20 सेंटीमीटर। सो f इज इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 0.20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आपका आ गया, वो आ गया 0.20 मीटर, तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की जिस साइड होती है, तो यहां पे फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है ना। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और आपकी स्क्रीन जो रखी हुई है कहां पे रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर के ऊपर। तो आपको वी दे रखा है, वो अब स्क्रीन जो है इमेज बनने के लिए दे रखा है और इमेज हमारी कहां बनती है, फिजिक्स साइड में, तो वी भी कैसा आएगा पॉजिटिव, ये भी आपको दे रखा है प्लस 30 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट की स्क्रीन इधर कहां पर रखी हम, तो क्या आएगा वी यू। फॉर्मूला रखते हैं फटाफट से, लेंस फॉर्मूला सारे क्वेश्चन बेटा एक ही जैसे, ठीक है ना। कुछ चीजों का जो डिफरेंस है वो मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, हमको निकालना है 1/u, हम क्या करेंगे 1/u को इधर भेज देंगे, 1/f को उधर भेज देंगे, सो 1/v माइनस 1/f। 1/u की बात करें, 1/v कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर और 1/f कितना है, 20, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, ये आएगा 2, ये आएगा 3, सो 1/u कितना आ जाएगा, माइनस 1/60, तो u कितना आ जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन है वो कहां पर रखी होनी चाहिए, माइनस 60 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब माइनस इस साइड के। अब फोकल लेंथ कितनी है, 20, तो 20 का डबल हो जाएगा 40, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा होगा स्क्रीन के लिए, आप बोलिए कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा, क्लियर बेटा, नोट कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए निकले अगला क्वेश्चन बेटा, इसको इरेज कर लेता हूं। ओके लिखिए, अ पिन, अगला क्वेश्चन लिखिए,
अ पिन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर अ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर फुल स्टॉप The pin is placed perpendicular to the principal axis. Full stop. Find the position, size and nature of image. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. लेंस फिर से हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है आपको, बोला है कि 3 सेंटीमीटर की पिन है वो 24 सेंटीमीटर में रखी हुई कॉन्वेक्स लेंस की, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर. अब ऑब्जेक्ट रखा है 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, तो 24 सेंटीमीटर बेटा कहीं यहां पे होगा, सही है कि नहीं? ये डिस्टेंस कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, जो कि कहां पे होगा? F और F2 के बीच में, 2F2 के बीच में. ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है. और हमको इमेज किसकी? ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर. तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. गिवन सबसे पहले तो हाइट गिवन है, एच कितना गिवन है ऑब्जेक्ट की? 3 सेंटीमीटर, ठीक है. अब देखो यू भी इधर है और फोकल लेंथ भी इधर है, तो आप जानते हैं दोनों नेगेटिव. सो एफ जो दे रखा है वो भी दे रखा है -18 सेंटीमीटर, और आपको जो सॉरी और क्या दे रखा है, यू दे रखा है वो भी कैसे दे रखा है? -24 सेंटीमीटर. हमको फाइंड करना है एंड एच डैश, ठीक है. चलिए फॉर्मूला फटाफट से लगाते हैं. 1/F = 1/V - 1/U. हमको निकालना 1/V. अब ये 50 बार हम लोग कर चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूं. एलसीएम लेना तो अब तक आप लोग सीखे होंगे. इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/U, 1/V = 1/-18 cm प्लस 1/-24, ठीक है. अब देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का. सो -34 का एलसीएम और मेरे लिए रखते ना, सॉरी. तो यहां तक आप एलसीएम ले लीजिए, इसको आगे बी लिखा दीजिएगा. बी इसका आपका 1/18 - 1/24, तो ये 1/18 लिखा है वो बड़ा लिखा है, 1/24 छोटा लिखा हुआ. सो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव के अंदर बी जाएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा, बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है. यहाँ पे बी की पोजिशन आ जाएगी आपकी, जो भी बी आता है आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना. इनका एलसीएम लिखी, सो बी आपका यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर निकाल लीजिएगा. एंड उसके बाद में आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/H, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू बी बाई यू. लेंथ है तो बी बाई यू आएगा, एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच इंटू बी बाई यू. सभी की वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. इतनी चीज होमवर्क के लिए आप जरूर करें, बाकी की बातें कल करेंगे. और इसके बाद में हम फिर से स्टार्ट करेंगे. थोड़े से हमने लेंस के न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा किए, लेकिन रिफ्रेशन मतलब कि मिरर के क्वेश्चन हमें तो कुछ रह गए, तो उसके एक कलेक्शन में क्वेश्चन करेंगे. फिर चैप्टर मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेगा अगले चैप्टर, ठीक है. थैंक यू.